दोस्तों, वीडियो एडिटिंग करने वाले लोगों की जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे वो बहुत सारी डिवाइसेस यूज करते हैं तो उनको डाटा ट्रांसफर करना पड़ता है और उनके लिए उनको अलग अलग डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है। इसको मैंने अमेजन से 400 रुपए में मंगवाया और ऐसी सिचुएशन में ये आपके काफी काम आने वाला है। एक बार हम इसको खोल के देखते हैं। दोस्तों, ये कार्ड रीडर हब दिखने का कुछ इस तरीके का है और इसके वायर की लेंथ लगभग 18.5 इंचेस की है। ये कार्ड रीडर मैंने मंगाया है RTS कंपनी का, जिसका पूरा नाम है राधे टेक्नो सर्विसेज, जिसका नाम तो थोड़ा देसी सा है लेकिन इसके काम पूरे विदेशी वाले हैं। इसमें आपको USB 2.0 के 3 पोर्ट मिलते हैं और नीचे कुछ कार्ड रीडर का सपोर्ट मिलता है, जिसमें आप अपने माइक्रो SD या कोई से भी कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो वो आप इसमें चला सकते हैं। इसको मैंने अमेजन से 400 रुपए में मंगाया। अगर आपको ऐसी ही डिवाइस की तलाश है तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो आपको USB हब दिखाया था उसमें आपको USB 2.0 का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन आपको इसमें मिलेगा 3.0 का सपोर्ट, जो आपकी डाटा ट्रांसफर की स्पीड को लगभग 10 गुना तक बढ़ा देता है। ये मैंने मंगाया है टक्सर कंपनी का। एक बार हम इसको आपको खोल के दिखाते हैं। दोस्तों, बॉक्स में आपको USB हब मिलता है जो दिखने में काफी कूल सा है और इसके वायर की जो ये लेंथ है ये आपको 10 इंचेस की मिलती है। इसमें आपको USB 3.0 का सपोर्ट मिलता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और आपको इसमें जो एक्स्ट्रा USB मिलता है वो साइड में मिलता है, एक यहाँ पे मिलता है साइड में, एक आगे मिलता है और एक लेफ्ट साइड में मिलता है। उसके अलावा आपको इसमें माइक्रो USB का भी सपोर्ट मिलता है, जिससे आप इसमें प्लग इन करके डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको मैंने अमेजन से 700 रुपए में मंगवाया। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो एडिटर्स और गेमर्स की जो पर्सनल चॉइस होती है वो होता है एक कंप्यूटर, क्योंकि अगर कंपेयर करें हम लैपटॉप से तो PC जो होते हैं वो सुपर फास्ट होते हैं और लैपटॉप उतने तेज नहीं चल पाते। लेकिन जो एक दिक्कत दोनों में आती है, मतलब कि वीडियो एडिटर्स और गेमर्स को जो एक दिक्कत सताती है, वो होती है वायर्स का गुच्छा जो PC के पीछे बन जाता है और उसको सही करने में काफी टाइम लगता है। इस चीज का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये है केबल स्ट्रैप। एक बार हम इसको आपको खोल के दिखाते हैं। दूसरी केबल स्ट्रैप दिखने की कुछ इस तरीके की है। अब आप सोच रहे होंगे मार्केट में तो इतनी सारी केबल स्ट्रैप अवेलेबल है तो हम इसको क्यों खरीदें? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस केबल स्ट्रैप में आपको वेलक्रो मिलती है जिसकी वजह से आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से इसको यूज करने के बाद आप इसके बाकी के हिस्से को काट के अपने पास रख सकते हैं। एक बार आपको इसको यूं खोलना है और कुछ इस तरीके से ये आपस में चिपक जाती है। जैसे आपको इतना यूज करना है तो इतना आप काट के बाकी का अपने पास रख सकते हैं और इसे बाद में यूज कर सकते हैं। इसको मैंने अमेजन से 300 रुपए में मंगाया। अगर आपको ये केबल स्ट्रैप पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको एक बार इसको ट्राई करना है तो आप इसको अमेजन से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, हमारा अगला गैजेट है ये एंट ईस्पोर्ट की तरफ से आने वाला साउंड कार्ड, और ये उन लोगों के लिए है जिनके सिस्टम में साउंड कार्ड या तो खराब हो गया है या उनके पास ऐसा हेडफोन है जिसपे माइक का ऑप्शन नहीं है, मतलब माइक म्यूट करने का ऑप्शन नहीं है। अब पूरे मदरबोर्ड को चेंज कराने से तो बेटर है आप इस साउंड कार्ड को यूज कर ले। एक बार हम इसको आपको खोल के दिखाते हैं। दोस्तों, ये साउंड कार्ड दिखने का कुछ इस तरीके का है। इसमें आपको नीचे 3 जैक मिल जाते हैं। सबसे पहला है माइक का। अगर आपको माइक्रोफोन यूज करना है तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। अगर आपको हेडफोन यूज करना है तो आप सबसे राइट वाले में यूज कर सकते हैं। और ये बीच वाला जो जैक है ये 4 पोल है, यानी कि अगर आपको अपना माइक्रोफोन और हेडफोन एक साथ यूज करना है तो आप इस जैक का यूज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको माइक म्यूट का ऑप्शन मिलता है और एक तरफ हेडफोन म्यूट का ऑप्शन मिलता है, और के बीच में आपको ये वॉल्यूम रॉकर मिलता है जिससे आप जो बोल रहे हैं उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप जो म्यूजिक सुन रहे हैं उसकी वॉल्यूम को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैंने अमेजन से 700 रुपए में मंगाया। अगर आप भी चाहते हैं कि इसको एक बार यूज करना तो आप इसको अमेजन से खरीद सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा गैजेट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, ताकि हम और भी अमेजिंग गैजेट्स आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।